आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हो गया है तो आपका नेक्स्ट स्टेप है एम्बेसी में वीज़ा आपने अप्लाई करना है। तो आप माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं जो कि है migrationsworker.se, वहाँ पे जाके आप अपनी वीज़ा की फाइल जो है वो सबमिट करवाते हैं फॉर्म फिल करने के बाद। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। इस वीडियो को आखिर तक देखें तो बिल्कुल आपको किसी से मदद लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे जाके आपने एक फॉर्म होता है उसको फिल करना है। तो इसकी फ़ी है जो एक सिंगल एप्लीकेंट अडल्ट है उसकी 1500 स्वीडिश क्रूनर है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं आपको फैमिली की भी फीस अदा करनी होती है क्योंकि उनको भी अलग से परमिट मिलता है। तो जो अगर आपके बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के उनकी फ़ी थोड़ी सी आपसे कम होगी, उनकी फ़ीस है 750 स्वीडिश क्रूनर पर चाइल्ड। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा जो भी आपका प्रोसेस है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जिसकी आपको समझ ना, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर कोई पूरी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसी वीक फिर मैं आपको वीडियो बना के हाजिर हूँगा। तो फिर migrationsworker.se पे जाना है, वहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन डालनी है स्वीडन आने के लिए। और आपकी एप्लीकेशन जब फिल हो जाती है, आप सबमिट करवाते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है। तो वो एप्लीकेशन नंबर जो होता है उसी के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और फिर उसी एप्लीकेशन नंबर को ही आप इस्तेमाल करके अपनी एम्बेसी में आपने रब्ता करना होता है। उसी जिस कंट्री में आप मौजूद हैं वहाँ पे स्वीडिश एम्बेसी होती है, वहाँ पे आप रब्ता करें। आप गूगल कर सकते हैं कि स्वीडिश एम्बेसी जिस कंट्री में भी आप हैं उसकी डिटेल अपीयर हो जाएगी गूगल में। तो वहाँ से आप उनको रब्ता कर सकते हैं और अपनी फौरन अपॉइंटमेंट्स लें, किसकी, बायोमेट्रिक्स की। ये बिल्कुल आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, जहन में बिल्कुल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप ने अब परमिट अप्लाई कर दिया है तो केस ऑफिसर आपको रब्ता करेगा, जब वो बुलाएगा तो तब आपने जाना है। नहीं, ऐसा इसको ये मिथ है, इसको बिल्कुल आप इग्नोर करें। जो ही आपने परमिट अप्लाई कर लिया है आप फौरन अपने कंट्री में मौजूद, चाहे कौंसलेट है चाहे एम्बेसी है जो स्वीडन की सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ पे रब्ता करके आप अपनी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट लें। जहाँ पे आप जाएंगे आपसे बायोमेट्रिक्स दिए जाएंगे, मोस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली इंटरव्यू का नाम देते हैं। तो इसका इट डजंट मीन कि ये इंटरव्यू होगा, इट मीन्स आपके बायोमेट्रिक्स होंगे जिसमें आपकी फेस आईडी मेन पिक्चर लेते हैं और हाथों के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और हाइट भी मेजर करते हैं जो कि सिस्टम में डालते हैं ताकि जो प्रूव कर सके लेटर ऑन के ही आर शी इज द राइट पर्सन। तो एनीवे आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें, जो ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं उसके फौरन बाद जो आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगी जिसके ज़रिए आप ट्रैक भी कर सकेंगे अपने केस को, वही दे के एम्बेसी कौंसलेट को आप बिल्कुल अपने बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और जाके ये प्रोसेस मुकम्मल करवाएं। जब आप ये कर लें तो उसके बाद केस ऑफिसर जाने, उसका काम जाने, अकॉर्डिंग टू देयर स्केड्यूल वो आपके केस को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, आपको डिसीजन दे देंगे। अगर इससे पहले उनको कोई चीज़ रिक्वायर हो तो वो आपसे रब्ता कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, आपसे वो डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। अगर लेटर ऑन उनको कोई इंटरव्यू भी करना हो तो वो आपको इंटरव्यू भी कर लेते हैं और बताते हैं कि क्या इंटरव्यू करेंगे। इसमें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी खिदमत में दोबारा इंटरव्यू के रेलेवेंट चीज़ें लेके आऊँगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाए, और इसको आप रेगुलरली विजिट करते रहें ताकि सारी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक बआसानी पहुँच जाए। Thanks for watching.